हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। टुडेस टॉपिक इज पीटीई कोर लिसनिंग सेक्शन समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आप लिसनिंग में 90 आउट ऑफ 90 लेना चाहते हो, जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट ने हासिल किए हैं हमारे टेम्पलेट के साथ स्कोर्स, जिसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, आप भी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो, वो भी कम समय में। इसके लिए आपको राइट गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। राइट गाइडेंस नहीं होगी, हवा में तीर लगाओगे नहीं लगेगा। हर एक चीज को अच्छे से समझ के करोगे तो अच्छा स्कोर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पीटी कोर लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट। गाइस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको 20 और 30 वर्ड्स की एक समरी लिखनी होती है, जिसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 और 4 लाइंस ऐड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए 20 और 30 वर्ड्स में हम तकरीबन 2 या 3 लाइन ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो 2 और 3 लाइंस का टेम्पलेट है क्या, सारा कुछ आपकी आंखों के सामने आने वाला है। 8 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। हमने ट्रिक क्या यूज करनी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाए कम समय में, नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाती है। हमने ट्रिक क्या यूज करनी है, आपकी आंखों के सामने लिखी हुई है। आपने जब ऑडियो प्ले होगा, ऑडियो प्ले अप्रोक्सीमेटली 45 to 45 seconds to 90 seconds भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो जाता है, बट एवरेज लेंथ देखें जो हमारे स्टूडेंट हमारे को बताते हैं, वो 45 सेकेंड्स मिनिमम होती ही होती है। और उन 45 सेकेंड्स के अंदर आपको ये कीवर्ड्स इकट्ठे करने होते हैं। कीवर्ड्स इकट्ठे करने के दौरान आपने करना क्या है कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स इकट्ठे ना कर पाओ जिनके मार्क्स ना आए। डू नॉट कलेक्ट कीवर्ड्स, कौन से वर्ब्स, डेट्स, इनका कोई फायदा नहीं है। कौन से इकट्ठे करने हैं, हमने करने हैं नाउन्स, कंपनी नेम, नेम नाउन के अंदर आता है, और फ्रेजेस। फ्रेजेस किसको कहते हैं, 2 और 3 कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम एक फ्रेज कह सकते हैं। इन शॉर्ट आपने ये ध्यान में रखना है, कोई भी कीवर्ड अगर कलेक्ट करें या फ्रेज कलेक्ट करें तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं उस वर्ड को उस टेम्पलेट के अंदर डालूंगा तो क्या उसका मीनिंग निकल है। जैसे एक वर्ब है इंक्रीज, मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ, इंक्रीज क्या, इंक्रीज किसी के साथ जुड़कर ही कोई ना कोई एक तरह का सेंटेंस बनता है वैसे भी, तो अगर आप अकेला इंक्रीज लिख दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम टेम्पलेट देखते हैं पहले। सो टेम्पलेट आपकी आंखों के सामने है, 20 और 30 वर्ड्स होते हैं, कितने हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के स्कोर नहीं आ पाते। रीजन क्या है, वो समझना ही नहीं चाहते कि उनके स्कोर क्यों कम आ रहे हैं। वो तुक्का लगा रहे हैं, द स्पीकर प्रेजेंटेड अ लेक्चर ऑन टॉप, हियर यू विल पुट टॉपिक नेम, ही प्रोवाइडेड इनसाइट इनटू कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, देन कीवर्ड 3। ध्यान रखने वाली बात है, कीवर्ड 1 के बाद कोमा, 2 के बाद भी कोमा आएगा, और एंड फिर K3। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, ये कोमा नहीं लगाते, एंड क्या है, मोर ओवर He described states in dash. He describes, यहां पर भी लिख सकते हो, keyword हो गया, phrase हो गया। He described K4 such as K5 and K3. अगर आपके पास phrase है तो आप phrase भी यहां पर add कर सकते हो। Such as मैंने इसलिए दिया है कि कई बार क्या होता है कि आप कोई topic choose कर लेते हो और उसके आगे further explain करना होता है keywords के सहारे। यहां पर आप एक फ्रेज भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। मेक श्योर कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो लिखो अच्छे से लिखो, ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। कनाडा इज अ कंट्री विद इनॉर्मस नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ फिश, फर्स and wheat. Minerals have played a key role in Canada's transformation into an urban industrial economy. Alberta, British Columbia, Quebec,
and Saskatchewan are the principal mining regions. Ontario and the Northwest, NWT, and Yukon territories are also significant producers of uranium and potash, the third largest of asbestos, gypsum, and nickel, and the fourth largest of zinc. Oil and gas are exploited in Alberta, off the Atlantic coast, and in the Northwest. A huge additional reserves are thought to exist in the high Arctic. Oil price is making extraction profitable at a growing number of the country's deposits. Canada is also one of the world's top hydroelectricity producers. तो जब आपने क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स मैंने इकट्ठे कर लिए, कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्टर, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो वीट मिनरल्स फिश, मेकिंग एक्सट्रैक्शन डिपॉजिट्स, माइनिंग। अब इन कीवर्ड के सहारे हम लगाने वाले हैं अपना टेम्पलेट। द स्पीकर प्रेजेंटेड अ लेक्चर ऑन कैनेडाज नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा टॉपिक हो गया। ही प्रोवाइडेड इनसाइट इनटू वीट मिनरल्स एंड ऑयल, मुझे ऑयल सुनाई दिया था लेकिन मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप फिश भी कर सकते हो, जैसे मैंने फिश लिखा था पहले कीवर्ड्स के अंदर। मोर ओवर ही डिस्क्राइब स्टेट्स इन कैनेडा सच एज ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो। इसकी जो वर्ड लेंथ है वो पूरी की पूरी 29 है। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने टॉपिक नेम पुट कर दिया और प्रोवाइडेड इनसाइट टू वीट मिनरल्स एंड फिश, मैंने कोई वो नहीं डाली इसके अंदर, मतलब आप कह सकते हो कि वर्ब नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं वर्ब डालता तो शायद ये ना पूरा हो पाता। तो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद प्रूफ रीडिंग जरूर करनी है। बिना प्रूफ रीडिंग के स्कोर नहीं आएंगे गाइस, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो गाइस आपने इन इस वीडियो के अंदर सीखा होगा स्पोकन टेक्स्ट को कैसे लिखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और ट्रिक्स होते हैं, और अगर आपका टारगेट अच्छा स्कोर हासिल करना है फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, आप 1-to-1 क्लास ले सकते हैं हमारे से। पूरे वर्ल्ड वाइड में हम क्लास देते हैं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, रीडिंग में बच्चों को दिक्कत आती है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पीकिंग नहीं इम्प्रूव हो रही, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। बाय।